आप देख रहे हैं जगन न्यूज 24। खबरों की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जगन न्यूज 24। संधोला प्रखंड क्षेत्र के संधोला के पलवा वार्ड नंबर 11, भीकन चक वार्ड नंबर 5, रमासी वार्ड नंबर 14, महियामा वार्ड नंबर 8, भैया के सार वार्ड नंबर 12 में हॉप्स ऑफ हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के द्वारा शिशु पाठशाला का शुभारंभ संयुक्त रूप से फीता कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी अलग अलग केंद्र पर चयनित शिक्षिका खातून प्रेरणा कुमारी तनिषा कुमारी बीबी नूरजहां खातून को लेकर दिया गया था। संस्था के डायरेक्टर रूपी सिंह के द्वारा बताया गया कि यहाँ छोटे छोटे बच्चों का समुचित विकास के लिए काम करेगी। उन्हें पाठशाला में बेहतर देखरेख के साथ शिक्षा पोषाहार ड्रेस एवं किताबें मुफ्त में दी जाएगी। साथ ही हॉप्स ऑफ हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन का उद्देश्य महिला सुरक्षा को बढ़ावा देना, बेरोजगार युवा और शिक्षित महिलाओं को तकनीकी शिक्षा मुहैया कराना, गरीब परिवार के बच्चों एवं शिक्षित किशोरियों को निःशुल्क शिक्षा देना, शिविर के माध्यम से चिकित्सा प्रदान करना, स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाना, प्राकृतिक आपदा एवं आपातकालीन स्थिति में पीड़ित लोगों को सहयोग करना है। वहीं गरीब परिवार की लड़कियों के सहयोग करना है। दहेज प्रथा पर रोक के लिए साथ साथ रक्तदान के लिए लोगों को जागरूक करना है। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सन्हौला के जिला पंचायत सदस्य नाजनी नाज सुलेमान जहांगीर आजाद, आजाद फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी हफीज मकबूल, सरपंच नदीम राज सहित तो सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। देखिए रुपेश कुमार राज की रिपोर्ट। गुरु हैं जो हमें मार्ग प्रशस्त करते हुए बताते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति आपकी कैसे होगी। उस्ताद ही वो सलाहियत रखता है जो अल्लाह को पहचानने के तमाम तरीकों को आपको बताते हैं कि मुझसे वाकिफ है जमाना, इल्म मेरा नाम है, बख्श देना ताज और किश्वर अदना मेरा काम है। इन पाठशालाओं से ही आप तालीम हासिल करेंगे, इन पाठशालाओं से, इन स्कूलों से आपको तालीम में मोहब्बत मिलेगा, पैगाम में मोहब्बत मिलेगा, पैगाम में अमन मिलेगा। और ये पैगाम में मोहब्बत, पैगाम में अमन और पैगाम जब आप तक पहुंचेगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि गंगा जमनी तहजीब में बास करने वाले हमारे इस ताकत को तोड़ सके। चाहे वो सीमा के सरहदों पर दुश्मन आग फाड़ कर हमारे बीच दे गए हो या सोसाइटी में वो समाज दुश्मन आनासिर दिन रात हमारी ताकतों को विच्छेद करने की कोशिश करता हो, तो इन पाठशालाओं में पढ़कर और इन पाठशालाओं में पढ़ाकर ये नन्हे मुन्ने बच्चे को हम गंगा जमनी तहजीब के सिपाही के शक्ल में तैयार कर सकते हैं। तो साथियों और पलवा गांव के लोगों, खासकर महिलाओं, आपको ये जानकर गर्व होगा कि एकीकृत बिहार में और अंग्रेजों के जमाने में ये बहादुरों के गांव के नाम से जाना जाता था। यही वो गांव है जो इलाके के तमाम लोग चैलेंज करते हुए अंग्रेजों को भी कहा था, अरे मैं तो उस इलाके का आदमी हूँ जिस इलाके के लोगों ने शेर के मुंह में हाथ डालकर उनके जबान को खींच लिया था। तो फख्र की बात, ये पलवा ही वो गांव है जिस गांव के हंसा पहलवान ने बाघ के मुंह में अपने पंजे को डालकर उनके जीभ को टांग लिया था। आज आपको अंधकार के रूप में जो अशिक्षा है, अशिक्षा के दीप को उनके जबड़े से निकालकर शिक्षा रूपी शिक्षा से सुशोभित करना है इन बच्चों को। किसी भी परिस्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक परिवार वालों, आप ऐसी जगह पर है जहाँ यह सरहौला की सरजमीन जो आपसे लगा हुआ है, कल तक ये सरहौला चक की सरजमीन थी, ये वो सरजमीन है जिस पर प्रोफेसर अब्दुल बारी यहाँ पर आए और वो प्रोफेसर अब्दुल बारी हिंदुस्तान की आजादी में पूरा हिंदुस्तान जिसके व्यक्तित्व पर नाच करता है। ये उतनी बड़ी शख्सियत जिनके शिक्षक के नाम पर आदर्श बारी हाई स्कूल आपके बीच में है, इसलिए यहाँ के बच्चों को पिंकी भी पढ़ाकर भारत के महान सपूतों में से एक सपूत आपको बनाना है। और आपको ये नहीं देखना है कि इन गुरबत में से, इन देहात में से हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं जिस घर से बिलोंग करता हूँ, मेरे भतीजा इसी माहौल में पढ़कर अरबी यूनिवर्सिटी के टॉपर हुए, जहाँ 13 देश के बच्चे पढ़ रहे थे जिनका नाम असलम आजाद मिसवाही है। और एक भतीजा अभी अभी रहमानी 30 में कंप्लीट किया है इसी राह की सरजमीन पर रहकर। तो राह की सरजमीन पर रहकर जब इतने बड़ी उपलब्धि वो हासिल कर सकता है कि अरबी यूनिवर्सिटी का टॉपर हो सकता है, तो यहाँ भी पलवा की सरजमीन पर इस पाठशाला में पढ़ाने वाले बच्चों को आपको ठानना पड़ेगा कि चाहे मुझे जितने भी मशक्कत उठानी पड़े, जितने मेहनत उठाने पड़े, जो कुछ करना पड़े, हम अपना खून
और इन 20 बच्चों को सुपर 20 के शक्ल में, एक स्टार के शक्ल में, एक नौनिहाल के शक्ल में इस समाज को हम समर्पित करेंगे। अगर आप सारा चीज खोकर इन बच्चों के लिए समर्पित हो जाते हैं तो यकीन जानिए आज पलवा की मदर टेरेसा आप होंगे और कल इस इलाके की मदर टेरेसा आप होंगे, फिर देश और प्रदेश के मदर टेरेसा की शक्ल में आप अपने कदम को बढ़ाते जाएंगे।